तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्निकल। तो दोस्तों इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ये ओप्पो F2020 का फ़ोन है दोस्तों, और इसे चार्ज करते हैं तो 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को चेक करके सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ कि ये चार्जिंग प्रॉब्लम किस टाइप से है इसमें। तो मैं चार्ज लगा चुका हूँ इसे दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं मैं चार्ज शो कर चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ शो होने के बाद क्या होता है कि मैं आप लोगों को चार्जर में दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं इसमें 1 पॉइंट कुछ बता रहा है, उसके बाद लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसका यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये चार्जिंग छोड़ देता है, चार्ज लेने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं ये डिस्कनेक्टिंग हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए कि ताकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें चार्ज छोड़ चुका है, ये चार्ज नहीं ले रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे सिंपल सॉल्यूशन में आप लोगों को बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसे सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि ये पीसीबी का लाइन है, इसका वोल्ट सप्लाई कहाँ से कहाँ दे रहा है। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। तो इसे सबसे पहले बैटरी में निकाल चुका हूँ, उसके बाद इसे फ्लेक्स को चेक करेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका चार्जिंग पिन मैंने चेंज कर चुका हूँ, उसके बाद साथ ही इसे मैंने पीसीबी भी चेंज कर चुका है, उससे नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं इसका मिडिल फ्लेक्स भी चेंज कर चुका हूँ, उससे भी चार्ज ये नहीं ले रहा है। तो इसमें वोल्टेज सप्लाई ओके बता रहा है दोस्तों, तो मैं उल्टा करके फिर से दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि वह माइनस दिखा रहा है। तो मैं फिर से आप लोगों को चेक करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें परफेक्ट वोल्टेज 5 पॉइंट बता रहा है इसमें दोस्तों, ये 100% यहाँ तक फ्लेक्स तक ओके है। तो दोस्तों इसका बोर्ड चेक करेंगे कि इसका बोर्ड में सप्लाई कितना दे रहा है यहाँ तक, क्योंकि दोस्तों ओके है इसलिए आगे का प्रोसेस चेक करेंगे। तो मैं इसे खपा लेता हूँ, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका है, उसके बाद यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहा है बोर्ड में। तो साइड से यहाँ प्लस का लाइन है दोस्तों, तो इसमें जो प्लस का लाइन है इसमें रेड कलर का मल्टीमीटर का वायर इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद आगे का ग्राउंड कहीं से भी लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं इसमें इस टाइप से बता रहा है, 1.6 समथिंग बता रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों ये 1.3 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बैटरी कनेक्टर के बगल का जो इसमें लगा हुआ है तो यहाँ चेक करेंगे, इसमें भी सेम सप्लाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक यहाँ 2 पॉइंट कुछ बता रहा है। तो फिर से मैं आप लोगों को चेक करके दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं 2 पॉइंट कुछ बता रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ तक 2 पॉइंट बता रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले दोस्तों ये शील्ड है, ये शील्ड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे कि चार्जिंग डायोड से कहीं तो फॉल्ट नहीं है या तो कैपेसिटर से फॉल्ट नहीं है। तो सभी को चेक करके देखेंगे कहाँ कहाँ से सप्लाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बोर्ड को खोल लेते हैं, उसके बाद बोर्ड बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इसका जो इसमें शील्ड लगा हुआ है ये, तो ये शील्ड को क्या करेंगे इसे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसे बाहर निकाल लेते हैं पहले, और क्या करेंगे कि ये जो कट प्लास है तो कट प्लास से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे कटिंग करके हटा लेते हैं, उसके बाद कट प्लास से इसे बाहर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मदरबोर्ड से बाहर करने में हल्का उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इसे क्या है कि इसे फ्रेश ही निकल जाएगा, हल्का सा इसमें मेहनत लगता है। तो ध्यान से खोलते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये शील्ड बाहर करने में इसका बोर्ड से प्रिंट बाहर आता है, तो ध्यान से खोलना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि निकाल लेंगे हल्के हाथों में,
तो दोस्तों यहाँ तक शील्ड मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि शील्ड निकालने के बाद इसमें कंपोनेंट्स चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट में सप्लाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करेंगे कि बोर्ड में फिट कर लेंगे, उसके बाद मीटर से चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट तक सप्लाई नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, चार्जिंग डायोड वगैरह लगा हुआ है। तो क्या करेंगे कि ये सभी को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसे बोर्ड को फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैं बोर्ड को फिट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, ठीक से बैठा नहीं है, बैठने नहीं दे रहा। तो क्या है कि इसे शील्ड में बाहर निकाला हूँ जिसके कारण ये बैठ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे चार्ज लगा चुके हैं। तो उसके बाद इसे चेक करेंगे दोस्तों इसका वोल्टेज सप्लाई कितना बता रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका वोल्टेज सप्लाई देखेंगे एक एक करके कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट सप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक 5 पॉइंट कुछ समथिंग बता रहा है। तो देख सकते हैं उसके बाद यहाँ तक 3.2 समथिंग बता रहा है। फिर आगे का देखते हैं कि यहाँ यहाँ भी 3.2 बता रहा है। तो फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे दोस्तों कि उसके बाद देख सकते हैं यहाँ तक ये 5.1 समथिंग बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक ओके बता रहा है। तो दोस्तों एक एक करके कंपोनेंट्स को ठीक से चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपोनेंट्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सही रहने के बाद भी वोल्टेज सप्लाई नहीं देता है। तो इसलिए दोस्तों कंफर्म चेक करेंगे इसमें कि वोल्टेज सप्लाई कहाँ तक क्लियर नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक इसमें 3.2 बता रहा है। उसके बाद हल्का सा और आगे वाला कंपोनेंट में चेक करेंगे इसमें कितना बता रहा है। तो इसमें हल्का जोर लगा के चेक करते हैं दोस्तों ठीक से, ताकि ये सही बता सके। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ठीक से नहीं बता पाता है मीटर से चेक करने पर। तो देख सकते हैं इसमें 4.6 समथिंग बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक वोल्टेज ओके बता रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ का जम्पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जम्पर करने से पहले मैं वीडियो को जूम कर देता हूँ ताकि मैं ठीक से आप लोगों को दिखा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ जो इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये कंपोनेंट क्या करेंगे दोस्तों कि इसे सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसमें जम्पर उठाएंगे। तो सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद इसे जम्पर करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले पेस्ट उस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद इसे रिमूव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ रिमूव करने से पहले इसमें सिल्वर टैप कर देंगे कि ताकि आगे का जो कनेक्टर है उसमें प्रॉब्लम ना करे और सेपरेट रहे। उसके बाद ब्लोअर को अपने तरीक़े से हीटिंग डालेंगे, उसके बाद हल्के हाथों में इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे ठीक से हीट उट करके उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। तो ये रिमूव हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि ये रिमूव हो चुका है, अब इसे जम्पर करेंगे। तो सिर्फ एक जम्पर करेंगे दोस्तों, ये 100% ओके हो जाएगा बस एक जम्पर से ही। तो इसे क्या करेंगे कि निकाल लेंगे सिल्वर टेप को फिर से। उसके बाद इसे निकालने के बाद यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से जम्पर उठाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले घिस लेते हैं कि ताकि यहाँ सोल्डिंग ठीक तरह से हो सके। तो दोस्तों यहाँ पेस्ट लगा लेते हैं, यहाँ घिसाया हो चुका है। अब यहाँ पेस्ट लगाने के बाद इसे सोल्ड कर लेंगे, पहले इसमें रंगा भर लेंगे कि ताकि ये जम्पर करने में
आसानी हो सके। तो यहाँ तक हो चुका है दोस्तों, इसे फिर से मैं अब अच्छे तरीक़ा से इसे सोल्ड कर लेंगे ताकि इसमें रंगा बढ़िया से बैठ जाए, ताकि इसमें जम्पर ठीक से हो सके। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस है दोस्तों कि इसमें सबसे पहले वायर उठाएंगे, तो जम्पर वायर ले लेंगे, उसके बाद उसे सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जम्पर वायर मैं कटिंग कर लेता हूँ बिल्कुल बराबर नाप के, क्योंकि दोस्तों यहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही नाप के उसके बाद इसे सबसे पहले सोल्डिंग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सोल्डिंग करेंगे और आपस में इसमें कनेक्शन देंगे। तो ये सोल्डिंग मैं कर ले रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो जूम होने के कारण दिख नहीं पा रहा, तो यहाँ सबसे पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हो चुका है, उसके बाद यहाँ से एक साइड से उठाएंगे, तो यहाँ ऊपर या नीचे कोई भी साइड से उठा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ सोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ सोल्डिंग करने से पहले इसमें हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद सोल्ड करेंगे कि ताकि ये जल्दी सोल्ड हो सके। तो ये पेस्ट यहाँ मैं लगा चुका हूँ, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जल्दी सोल्ड हो जाता है इसमें, और बाद में वायर कबड़ता नहीं है। तो जम्पर में हल्का मेहनत लगता है दोस्तों, लेकिन ये 100% क्लियर हो जाता है। तो एक साइड का सोल्ड हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ नेक्स्ट दूसरा साइड का इसमें बैठाएंगे, जो प्लस का लाइन है, तो इसमें इसमें भी सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ भी सोल्डिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सोल्डिंग हो चुका है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो कनेक्शन है यहाँ का, तो इसमें दे चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसका जो प्लस लाइन है वो क्लियर हो चुका है। अब इसे बैटरी वगैरह कनेक्टर वगैरह खपा के उसके बाद इसे चेक करेंगे कि ये चार्ज ले रहा है या नहीं, ये पहले जैसा बताता है या नहीं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं कनेक्टर वगैरह लगा लेता हूँ, उसके बाद इसे चेक करेंगे कि ये सॉल्व हुआ है या नहीं। तो फाइनली मैं इसे सबसे पहले चार्ज लगा लूँगा, उसके बाद चार्ज लगाने के बाद इसे देखेंगे कि इसमें सप्लाई दे रहा है कि नहीं। तो ये चार्ज लग चुका है, अब इसे देखते हैं कि ये चार्ज ले रहा है या नहीं। देख सकते हैं इसमें चार्ज ले रहा है दोस्तों, अब इसमें 1% भी शो कर रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों कि चार्ज लगाने के बाद तुरंत ही ये डिस्कनेक्ट हो जाता था, अब डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों से क्या करेंगे कि, तो दोस्तों मैं कैमरा को जूम अप कर देता हूँ कि ताकि इसमें चार्जिंग लगाया हुआ दिख सके। उसके बाद साथ में आप लोगों को चार्जर में भी दिखाऊंगा कि वोल्टेज सप्लाई उसमें कितना दे रहा है। तो यहाँ तक हल्का टाइम लगेगा दोस्तों इसमें परसेंट बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करेंगे कि बैटरी चार्जर में चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर ले रहा है, तो ये अब जीरो में नहीं आता है दोस्तों, पहले आ जाता था, तो ये क्विक चार्ज ले रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए कि ताकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।